आमदार साहब के एक साल जो पूरे हुए और वहां केक काट के बोला गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने शायद ऐसा नारा लगाया कि आमदार साहब आप कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अजीब बात लगती है कि अगर कार्यकर्ता जो कारपेंटर बनाता है, आमदार बनाता है, खासदार बनाता है और वो काम की भी अपेक्षा रखता है, शहर में रास्ते हो या बड़ी इमारतें, कोई भी लोगों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये लोगों के अंदर अगर ये सोच अगर है तो फिर तो बहुत बुरी बात है। उन्होंने पत्र दिया और ये काम हो रहा है। हाँ, तो अभी ऐसा हुआ है कि अपने आगर रोड के दोनों साइड अंसार पत्र पास से दोनों साइड में हवाड़ी नाले तक 4 करोड़ की गड़ रखी है, 2 करोड़ इधर 2 करोड़ इधर, उसका टेंडर अभी इश्यू होने वाला है। साथ साथ में अभी एक नवी महासभा 3 तारीख को निकल जाएगी, उसके अंदर कुछ बजट वर्क करके आगर रोड का जहाँ ब्रिज उतरने वाला है या उतरेगा, जो नया अपना जो ड्राइवर जो बन रहा है उस सकावत के आगे जहाँ उतरेगा वहां से दरेगा तक 9 करोड़ का एस्टिमेट बना है, एस्टिमेट बन गया, खाली बजट वर्क करके बजट डालना है, टेंडर निकलेगा। सीमेंट रोड पूरा जैसा ये ब्रिज वाला जो सीमेंट रोड बना रहा है और गडर भी जो है वो RCC रहेगी और ये सीमेंट रोड भी RCC किया जाएगा। मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूं, महासभा में मंजूर होंगे तो झुठा आदमी बोलेंगे कि मैंने पैसा लाया, ये आप लोग के माध्यम से शहर के अंदर ये आवाम के अंदर ये बात चल रही है। उन्होंने साफ तरीके से बोला कि मैं विधायक का काम गड्ढा रोड बनाने का नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल वालों को बोला है। आप लोग देखे कि पीछे के मासी भाई भी आमदार थे, आसिफ भाई ने भी 5 करोड़ रुपये रास्ते में लाया और शहर के अंदर बहुत सारे रास्ते उसके अंदर बन चुके, कुछ अभी पानी की टाकी का रास्ता बनना बाकी है, एक रास्ता जिलारी चौक से डेपू हलसार पर हलसार शामिल के पास से होते हुए वो रास्ता उसका काम बाकी है और बाकी रास्ते बन चुके। अब ये बोलते हैं कि ये विधायक का काम नहीं होता, जबकि माजी आमदार ने वो गवर्नमेंट से फंड लाकर तो रास्ते बनाए। हमने तो पूरी हमेशा कोशिश रही, चाहे महापालिका में रहे चाहे गवर्नमेंट के अंदर आमदार रहे, तो गडर रास्तों की जहां जरूरत है रास्ते बनाने की वो हमने फंड लाया किया। और आज जैसे मैं बताया कि आप गवर्नमेंट से बहुत कोशिशें कर चुके हैं, आज गवर्नमेंट की भी हालत बहुत खराब है, गवर्नमेंट फंड नहीं दे सकती, इसके लिए हमने कोशिश ये की कि भाई क्यों नहीं कॉर्पोरेशन फंड से 9 करोड़ का रास्ता आगरोड बना लिया जाए, वरना शहर के अंदर जब बाहर के लोग एंट्री करते हैं तो हमारा सर सरम से झुक जाता है कि कैसा काल है, कैसे रास्ते इनके। उसके अंदर ऐसा है कि ये नगर सेवक या कॉर्पोरेशन की अधिकारी गलती रहती है, ऐसा नहीं, कुछ हमारे शहर की आवाम की भी मिस्टेक है। ऐसा अगर रास्ते के सेट में जो गटरे रहती है, गटरे में अतिक्रमण रहता है और गटरों से आगे ऐसा ऊंचा भर कर लेते हैं और समझो ये कुदरती बारिश जब होती या कोई पानी का इस्तेमाल जब होता है उसके वजह से भी रास्ते खराब होते हैं। तो इसलिए आवाम से मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरी विनती है उनसे कि आगे के लिए शहर को अच्छा बनाने के अंदर खाली जिम्मेदार महापौर या कॉर्पोरेटर होते हैं या महापालिका ही जवाबदारी है, ऐसा नहीं आवाम की भी जवाबदारी है शहर को अच्छा बनाने। आप लोग जानते हैं कि एक टेंडर अभी हो गया है हाउस टैक्सेस का काम अभी वो जैसी सर्विस शुरू हो जाएगा, तो आज तक हमारी जो घर की वसूली होती थी जब 1 लाख भाई थे तो आखिरी हाइया से एकदम नरपट्टी और जनपट्टी मिला के 42 कोटी होती थी,
मालेगांव शहर के अंदर करीब करीब 1 लाख घर मकान, 1.5 लाख, 1,70,000-80,000 मकान घर, मतलब घर कारखाने और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऐसे मिला के 1,80,000 करीब। जब ये सर्वे हो जाएगा पूरा तो 1 साल के बाद मालेगांव महापालिका के अंदर करीब करीब 100 करोड़ रुपया आने लगेगा। कितना? घर पट्टी खाली 100 करोड़ आने लगेगा। ये भविष्य देख कर ये काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है सर, अभी 1,70,000 है कि 1,70,000 बढ़ेंगी? 1,70,000-80,000 हाउस है और आपके अंदर कारखाने साइकिल तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। सर्वे के बाद कितना बढ़ सकते हैं आपको क्या? आज 45 प्रॉपर्टी 50 आ रहे हैं ना, 35 करोड़, 30 करोड़, 32 करोड़, आखिरी अय्या साइज 45 करोड़। तो ये सर्वे हो जाने के बाद नहीं, अभी प्रॉपर्टी जो है तो कितनी 50,000 करते हैं ना आप? नहीं, नॉन जो है मेरे पास नॉन बहुत कम है। हाँ, वो कितनी होगी? मेरी मालूम 50,000 के आसपास है, बस 55-60,000 नॉन है। तो आपको क्या लगता है 1,00,000? ये जब 1,70,000-80,000 नॉन हो जाएगी सर्वे, मतलब 1,00,000 बढ़ सकते हैं? हाँ, बढ़ जाएगा। तो अपना 100 करोड़ रुपया साल का आने लगेगा कॉर्पोरेशन को। हमको बार बार गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। अगर कल अतिक्रमण निकलेगा, आज निकलेगा, तो कल उसके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। इतना पैसा हमारे पास रहने लगेगा। महापौर साहब ने और हमने मिलकर के ये जो काम, इसलिए कि मैं जब महापौर था उस वक्त उसका ठहराव गोड़के साहब की यादी के ऊपर किया गया था और अब उसका टेंडर हुआ है। हमने ये अगला भविष्य शहर का देखे, ये काम को आगे बढ़ाया है। और शहरियों से भी गुजारिश करूंगा, भाई जब सर्वे करने के लिए लोग आए तो प्राइवेट एजेंसी रहेगी। प्राइवेट एजेंसी इसलिए दी गई कि वो कुछ पर्सन उसका ले जाएगा, है ना, मेहनताना, लेकिन ईमानदारी से काम कर जाएगा। वरना जो हमारे वहां क्या है, स्टाफ कम है, स्टाफ की कमी होने की वजह से सर्वे होता नहीं है। फिर बहुत सारी बात समझने की बात, वो नहीं बोलूंगा, वो भी कि 8 कमरे रहते तो 4 ही बता दिए जाते रहता। तो ये जो बातें लॉस के अंदर जो कारपोरेशन का होता है, ये लॉस खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, जैसे अभी बड़ी मालेगांव के जो गटर की हालत आप देखते बहुत धीरे धीरे है, उसके भी 2 करोड़ रुपए हेड में हमने रखा है, वो भी टेंडर प्रोसेस में है, टेंडर जल्दी हो जाएगा, वो हमेशा की झंझट वो भी खत्म हो जाएगी। RCC नाले वो कर रहे हैं। ऐसे ही दयाल शिवर का एक बड़ा सीवर रोड है, वो 1.5 करोड़ का सीमेंट रोड वो भी बनाया जाएगा। हमने ये तय किया कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठ के, 12 मीटर के अंदर के जितने रास्ते वो सीमेंट रोड की जाए और 12 मीटर के ऊपर जो है वो हार्ड मिक्स हो जाए। बड़ी गटर जितनी है वो सब RCC कॉन्क्रीट करके RCC करना है। इस तरीके की प्लानिंग इस मरतबा महापौर साहब के नेतृत्व के अंदर कारपोरेशन के अधिकारियों ने किया है। शहर को अच्छा बनाने के लिए हमारी कोशिश है 1.5 साल के अंदर शहर को कुछ हद तक, पूरा तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। चाहे वो आउटर का एरिया हो, चाहे वो मध्य का एरिया, हमारी कोशिश, हमारा फोकस यही रहने वाला है कि शहर के अंदर कुछ अच्छा काम हो, ताकि आवाम की जो आवाम का जो जहन खराब कुछ लोग करते हैं, है ना, पूरा विषय उठा के कारपोरेशन पे डालते हैं, एक अच्छा मैसेज जाए। देखो रास्ता एक जो हमारा ब्लूबर्ड के घर के पास से अब्दुल नगर के कोने तक सीमेंट हाउस तक वो एडमिट तो किया गया, वो 5 करोड़ जो आसिफ भाई ने लाए थे उसमें से हुआ। एक जो है रजापुरे से जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां तक वो रास्ता एडमिट तो किया गया। एक मिलत मदरसे के पास से तो डायरेक्ट पवारवाड़ी रस्ते तक का वो एक हार्ड मिक्सर रस्ता किया गया 5 करोड़ में से। एक रस्ते काम अभी चालू है जो मदनी पावर हाउस है, वहां से हार्ड मिक्सर का काम चालू, वो डेपू के अंदर जाकर जॉइन हो रहा है, वो एक काम चालू है। आई मरी का रास्ता भी जो 5 करोड़ के अंदर हुआ है, और जैसे मैंने बोला कि अभी पानी की टाबी का जो रास्ता है वो 2-4 दिन बारिश की वजह से रोक दिए थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर तक का पूरा जो घर किया है बहुत खराब हो गया, वो वहां से जहां से पैराडाइज वहां से यहाँ तक होने वाला है।
कुछ उसके अंदर फंड घट रहा था तो महापुर के बजट में से 10 लाख रुपये उसको दे दिए ताकि उसको अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा इससे अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा बाबा साहेब अम्बेडकर के आसपास का जो बहुत था वो भी अब पूरा ग्राउंड वो करके ले दे। कहने का मतलब इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर हमने इस मरतबा ऐसा जो पक्के एरिए थे वहां बजट नहीं रखा, इसलिए तो बहुत सारे काम ऑलरेडी पहले शहर के अंदर जैसे हजारपुरी बाग है, नूरबाग है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट फंड के आए थे तो आशंकर का प्रदान का रास्ता या ऐसे उधर का एक बाजू का एक रास्ता और है शिकारी शौक तक का, ऐसे बहुत सारे रास्ते पहले बन चुके हैं। हमारे वार्ड नंबर 20 के सब पूरे रास्ते बने हुए हैं। ऐसे इस्लामपुरी में काम की जरूरत नहीं है, नएपुरी के अंदर काम की जरूरत, छोटा मोटा कोई काम हो सकते हैं एक अलग विषय। तो गठनी था कि मीटिंग लेकर के उसके अंदर तय किया गया था कि भाई जहाँ पक्के है कि वहाँ पे हमको काम बजट नहीं रखना है, क्योंकि बड़े काम को अंजाम लेना था। जैसे आज रोड की बात मैंने बोला, अभी बड़ी बड़ी गटरों की बात बोला, इसी तरीके से कुछ कच्चे एरिए वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, ये जो एरिया किनारा किनारा पड़ता है जो हदवाड़ में जो आए दरेगाड़ है, ये यहाँ पे उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बजट हम लोगों ने दिया है ताकि जो हदवाड़ हुई है, अब गवर्नमेंट से हदवाड़ का पैसा सिर्फ 5-6 साल तक मिलना था, अब नहीं मिलता है। इसके लिए जाहिर सी बात है वो कॉर्पोरेशन हद में रहते हैं। अब ये जब सर्वे होगा तो वो भी हाउस टैक्सेस का सर्वे होगा, टैक्स बढ़ेगा, जब वो टैक्स भरेगा उनको भी रास्ते वगैरह क्लियर होना, वो लाइन के ऊपर हम लोग आजकल काम करने की लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे ढंग से हम करने के अंदर कामयाब हो गए। लेकिन कुछ लोग बिला वजह विरोध करते हैं, कोई कहा सो जाता तो फिर कहा क्या करता है ना, तो कुछ बातें तो बहरहाल ऐसा है कि कुछ जगह ऐसा है जैसे बारिश की वजह से पानी भरता है जैसे पवारवाड़ी के अंदर, उसकी वजह क्या हुई है, जो 176 या 75 नंबर का कोई गट है आगे पवारवाड़ी के आगे, जो हमारे पानी जो जाता था पवारवाड़ी की पूरी नाले था वो एक कैनल है, कुदरती नेचुरली कैनल, वो कैनल से पानी जाता था। कोई बंदा है जमीन बेच रहा है प्लॉट टुकड़े गिरा करके उसको काट दिया और उसकी वजह से 3-4 डेम पावरवाड़ी की बस्तियों के अंदर घरों में पानी घुस गया। मैंने कॉर्पोरेशन के अधिकारी को बोला कि वहां जाकर के आप लोग विजिट करें और उसको ताकि कैनल क्लियर हो, आगे भविष्य के अंदर आवाम को जनता को उसकी तकलीफ ना हो, ये लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं भी आमदार था 10 साल, तो 10 साल के अंदर मुझे मेरे काम बताने की जरूरत नहीं। आज के आमदार बोलते हैं निगम में झूठ बोलने वाले कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन विधायक का जो काम होता है सरकार के सरकार से पैसा ला करके शहर के अंदर अपने मतदार संघ के अंदर काम करने का, मेरे अपने टाइम में भी रास्ते बनाए गए, मेरे अपने टाइम में भी रास्ते बनाए गए, बहुत सारे बड़े बड़े इमारतें बनी। आज हम लोगों ने आपने देखा कि अभी हमने महासभा के अंदर बड़े बड़े धोती ठहरा लिए, एक वाड़िया दवाखाना है वो डेमोलिश करके उसको नई बिल्डिंग उभारना है, उसका भी एस्टिमेट वगैरह बन रहा है। अली अकबर दवाखाने का जो पैसेस खाली है उसके अंदर भी नई बिल्डिंग बनाना और जूनी बिल्डिंग जो अली अकबर की है उसको भी अच्छे ढंग से करके और उसके ऊपर एक ताल चढ़ाना, स्ट्रक्चर अपडेट करके, और अगर वो ठीक रहा या नहीं तो बाहर से उसको इंजीनियर से बात हुई मेरी आती देखते बाहर से कालम खड़ा करके उसको भी ऊपर बनाना, इस तरीके के काम के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। दूसरा सोलार प्रोजेक्ट को हमने जो मंजूर किया है अभी अखबार के जरिए आपने पढ़े होंगे, महासभा के अंदर आप लोग भी रहते हो, वो 27.5 कुछ ऐसा आया 27 करोड़ का, वो अपना जो जहाँ ये है गिरना का पंपिंग स्टेशन अपना, वहाँ 4 एकड़ इरीगेशन की जमीन अपने ताबे में अपने 6 एकड़ की और डिमांड किया है और 10 एकड़ के ऊपर प्रोजेक्ट होगा
हमारा जो लैंड बिल जो जाता है, जो हमारे पब्लिक स्टेशन का जो बिल आता है, जो हमको उठा के पानी लाना पड़ता है, वो 6 करोड़ उसका करीब करीब साल का जाता है। और शहर का जो दीवा बत्ती जो वगैरह जो जलती है, जो पूरा कारपोरेशन है, दवाखाने हैं, ऐसा 6-12 करोड़ रुपए हमको बिल भरना पड़ता है। वो प्रोजेक्ट तो तैयार हो जाने के बाद में 6 करोड़ रुपया कम से कम हर साल हम लोगों को बचने वाला है कारपोरेशन को। तो जो 12 करोड़ का पूरा लोड आता था वो 6 करोड़ के ऊपर है, और 6 करोड़ रुपए की हमारी वो जो बचत हो जाएगी, ये भविष्य देख के सभी काम हमारा चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर तो बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं समझता 2 से 3 महीने जाएंगे। जाफरनगर का अली अकबर हॉस्पिटल है जो जो माजी मिले हमारे अपने उस्ताद जो थे उनके नाम दिया गया उसको, उसका उद्घाटन हो जाएगा। हम ये लाइन में लगे कि स्टाफ की भी हम लोगों ने डिमांड गवर्नमेंट से किया है, आरोग्य डिपार्टमेंट की भी, कुछ फायर डिपार्टमेंट की भी किया है, तो वो भी काम वो भी आते रहेगा। और अगर ये दवाखाने का उद्घाटन हो जाएगा और ये नए दवाखाने फिर से अपनी तोड़ के जो बनाने वाले वो जो बन जाएंगे, तो ये स्टाफ हमारा उधर लग जाएगा, है ना, काम हमारा चलता रहेगा, चालू रहेगा, और आवाम को उसका फायदा जरूर मिलता है। मतलब आपने भरने की परमिशन या गवर्नमेंट से परमिशन मांगे वो मिल जाएगी, डिमांड भी अपनी है ना, वो कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये डेमोलिश करेगा वालिया, ये स्टाफ बचेगा, ये स्टाफ हम वहां पे ट्रांसफर करेंगे, जो नया हॉस्पिटल जो बन गया है, बन गया है, हाँ, करीब करीब 2 महीने के अंदर सब हो जाएगा, उसका उद्घाटन भी इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। 1.4 करोड़ 20 लाख का ऐसे ही एक हॉस्पिटल का पैसा आया है, वो जल्दी टेंडर तैयारी के अंदर गवर्नमेंट का पैसा आया था, वो भी एक डबल बड़ा काम है, नया हॉस्पिटल गवर्नमेंट का आया है, वो भी बस टेंडर अंडर प्रोसेस में भी आ जाएगा, टेक्निकल सेशन की वजह से रुका था, वो गवर्नमेंट से टेक्निकल सेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आने वाला है, आरोग्य डिपार्टमेंट का, वो 4.20 लाख का काम है। वो कहा है? ये तुम्हारा बयाने गांव के बाजू में जो जगह अपनी कारपोरेशन की है, रमजानपुरे की, वो पूरे एरिया को उसका फायदा आ गया थे, बन जाने के बाद 1.5-2 साल के अंदर उनको भी उसका फायदा मिलने लगेगा। कहने का मतलब मैंने जो काम गिनाया, और जैसे विधायक आज के जो बोलते हैं आमदार साहब के, मेरी जवाबदारी नहीं है, अपना काम अपने आंख से कपड़े झटक रहे हैं, सब जवाबदारी कारपोरेशन पे डाल रहे हैं, तो आवाम को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। पिछले 5 साल भी वो आमदार थे, लेकिन पिछले 5 साल में भी उन्होंने शहर के अंदर कोई भी ऐसा बुनियादी काम नहीं किया। एक काम बताओ तो मैं मानू, और 1 साल आज बीत गया, बल्कि 3 महीने से तो मैं सुनता था जो पब्लिक की तरफ से जो व्हाट्सएप पे चल रहा था, व्हाट्सएप तो मैं तो नहीं चला था, लेकिन लोग जो मेरे को बताते थे कि 3 महीना खाली पानी को तो बाहर ही घूमते रहो, क्या उनका पर्सनली कोई मामला होगा, वो नहीं मालूम है ना। जो आदमी अपना विधायक होने के बाद भी अगर शहर में आवाम में वक्त तो नहीं दे सकता, उसके बाद भी अगर आवाम उसके काम से अगर मुतमईन है तो बड़ी सोचने की बात। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्तों के अंदर यहां से कारपोरेशन 1.5 बरस है, कम से कम शहर के विकास के लिए, डेवलप के लिए काम करने वाले लोगों जो विकास काम कर सकते हैं शहर में, जो स्टेडियम का जो पार्टी पैसा नहीं लेती स्थायी समिति में भेजने का, टिकट देने का, है ना, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं सुना अभी 3-3 लाख रुपए में 3-3 लाख रुपए ब्लैक हुआ है स्थायी समिति की सदस्य का, क्या अपना पक्ष छोड़ के, अपना पक्ष छोड़ के दूसरे पक्षों का जो कानून एक तो भी नहीं बैठता, वैसे इंसान का नाम दे देने का, तो पैसा मिला तो सब कुछ सही है, ऐसा विषय है। तो इस तरीके की जो काम है ये आवाम के ध्यान में आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, आवाम ने इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और
तेरी मेरी ना करते हुए शहर का विकास के लिए सबको एक आकर के एक पक्षों की कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी देना चाहिए आने वाले टाइम में, यही मेरी लोगों से गुजारिश है। और कांग्रेस पार्टी के जो हम साथी पार्टियों उस वक्त जब इलेक्शन आएगा, ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी तैयारी आपसे ऐसा मान चलो कि उसकी शुरू हो गई है ना, तो आज कोशिश करेंगे तो आवाम को भी साथ आके खड़े होना चाहिए और हर जगह काम की बुनियाद के ऊपर लोगों को कारपोरेशन में चुन के भेजना चाहिए। पर आप लोग कुछ पूछना चाहे तो जरूर पूछ सकते हैं। एमएलए साहब को एक साल जो आमदार साहब के एक साल जो पूरे हुए और वहाँ केक काट के बोला गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने शायद ऐसा नारा लगाया कि आमदार साहब आप कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो अजीब बात लगती है कि अगर कार्यकर्ता जो कारपेंटर बनाता है, आमदार बनाता है, खासदार बनाता है और वो काम की भी अपेक्षा रखता है, शहर में रास्ते हो या बड़ी इमारतें कोई भी लोगों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये लोगों के अंदर अगर ये सोच अगर है तो फिर तो बहुत बुरी बात है। और फिर उनका आमदार भी इस तरीके से है शहर का, ऐसी सोच रखने वाला, ऐसा बोलने वाला कि मुझे तो सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिलता है, मैं कैसे शहर डेवलप कर सकता हूँ, ये सब कारपोरेशन की जवाबदारी है। यानी अपने जो काम जो विधायक काम है वो जिम्मेदारी ना निभाते हुए वो कारपोरेशन के ऊपर डालना, ये एक विधायक की जवाबदारी नहीं होती। विधायक की जवाबदारी होती है कि एक साल पूरा हो गया, एक साल के अंदर उन्होंने कुछ काम करके दिखाना था, उन्होंने नहीं दिखाया। 5 साल एक्टिव एमएलए थे, 5 साल के अंदर भी 0 बजट रहा। किसी ने बोला है, अखबार के अंदर मैं पढ़ा हूं कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चे जब नापास हो जाते थे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी या सातवीं में, तो बच्चे चिढ़ाया करते थे कि ढूस फड़ाका निकला, और ये आमदार भी ढूस फड़ाका है। अब तो शहर की आवाम को जान लेना चाहिए क्या आगे भी इनसे काम की अपेक्षा तुमने नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमारी अपनी जवाबदारी, अगर कारपोरेशन के अंदर अगर हमारी मेजोरिटी है और सरकार के अंदर भी अगर हम बैठे हैं, तो मैं जब आमदार था, जब मेरे विधायक काम शहर के अंदर पूरे ओपन है, सबको मालूम है क्या काम हुआ। आसिफ भाई आमदार थे, आसिफ भाई ने 5 साल के अंदर अपने विधायक होने की जवाबदारी शहर में अच्छे ढंग से निभाई और उनके भी काम जमीन के ऊपर है। और कारपोरेशन ने जो भी जवाबदारी कारपोरेशन की होती है, कारपोरेशन ने अपने जरिए शहर के अंदर विकास कामों की जिम्मेदारी कारपोरेशन निभा रही है, निभाती रहेगी। अभी आपको मैंने बताया जैसे सोलार प्रोजेक्टों का एक ठहरा हुआ, आगे वो प्रोसेस चला करके उसका एक बड़ा टेंडर होगा, और बाकायदा जो कारपोरेशन का 12 करोड़ रुपया साल का बिजली बिल जाता है शहर की दीवा बत्ती का, लाइट का और पंपिंग स्टेशन का, तो हमारा 6 करोड़ रुपया हर साल उसके अंदर बचेगा। इसी तरीके से वाडिया दवाखाने की इमारत को डेमोलिश करके नई इमारत बनाने का हमने ठहराव किया, और साथ साथ में अली अकबर के अंदर जो पेशेस बचा हुआ है जमीन, उसको भी हम वहां भी नई इमारत करने वाले हैं, और अली अकबर हॉस्पिटल जो जूना बना हुआ है उसके ऊपर भी एक ताल उभारने वाले हैं। वहीं साथ साथ में आउटसोर्सिंग का किया है एक ठहराव, वो आगे वो भी प्रोसेस के अंदर चल रहा है और वो भी उसका टेंडर वगैरह आगे हो जाएगा, और आगे इंशाल्लाह शहर का साफ सफाई का निज़ाम भी अच्छा रहेगा। इसी तरीके से हाउस टेस्टेस का एक टेंडर हुआ है हमारा, जो घर पट्टी हमारी जो सर्वे नहीं होने की वजह से शहर के अंदर मतलब इनकम सोर्स जो कारपोरेशन को आना चाहिए वो नहीं आती है, उसको ध्यान में रखते हुए हाउस टेस्टेस का टेंडर हुआ, और करीब करीब इंशाल्लाह सर्वे पूरा हो जाने के बाद नई जब घर पट्टी अकारी होगी
तो शहर के अंदर एक साल के बाद में 100 करोड़ रुपया आना शुरू हो जाएगा कॉरपोरेशन में, और गवर्नमेंट के भरोसे हमको कॉरपोरेशन को बैठना नहीं पड़ेगा। शहर का अच्छा डेवलप इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम के अंदर होगा ये। और जो नया डीपी प्लान का एक टेंडर हुआ जो हदवाड़ हुआ था, वो भी टेंडर हो गया है, वो भी मंजूर होने के बाद, वर्कआउट होने के बाद भी वो भी नया डीपी प्लान भी हदवाड़ी का बन जाएगा। जो साजी वालों को, कारखाने वालों को या प्लास्टिक वालों को जो तकलीफ होती है, इंशाल्लाह वो भी उनका मसला आगे उसके अंदर हल हो जाएगा। ये सब हमारे कॉरपोरेशन की ओर से महापौर के नेतृत्व के अंदर हमारी मेजॉरिटी के लोगों ने ये काम को सब अंजाम दिया है। आगे एक महासभा निकल रही है 3 तारीख को, कुछ बजट वर्ग करके 9 करोड़ रुपए का आगे रोड जहाँ पे उड्डयन पुल खत्म होगा उतरेगा, वहाँ से आगे सुपरमार्केट के पास से लेकर के अवाड़ी और नाले तक सीमेंट रोड दोनों साइड में कंक्रीट सीमेंट रोड जैसा ब्रिज वाला बनवा रहा है उस तरीके से वो रास्ता भी बनेगा। वैसे दोनों गटर है आजू बाजू की 4 करोड़ की, जिसके वजह से रास्ता खराब होता है, पानी गटर रोड का पानी गटर में नहीं जा पाता है या घरों का पानी गटरों में नहीं जाता है, वो RCC गटर उसका 4 करोड़ का काम होने वाला है। ऐसे ही बड़ी मालेगांव से लेकर पवारवाड़ी का जो आजू बाजू की दोनों गटर है पवारवाड़ी तक 2 करोड़ का, वहाँ पे भी वो टेंडर प्रोसेस में चल रहा है इंशाल्लाह। वो भी एक बड़ा मसला है, वो भी पवारवाड़ी के एरिया का पूरा मसला हल हो जाएगा वो इलाके के लोगों का। वैसे ही 1.5 करोड़ रुपये का एक दयाना सिवार के अंदर शिव रोड है, वो भी सीमेंट कंक्रीट का होने जा रहा है। तो इस तरीके के कामों के लिए कुछ ये रास्ते के जो काम है उसके लिए कुछ बजट वर्क कर रहे हैं। 3 तारीख को उसकी महासभा निकलने वाली है और शहर का एक अच्छा काम होगा, लोगों के अंदर मैसेज अच्छा जाएगा। पिछले आसिफ भाई के गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपये आसिफ भाई लाए थे, उसके अंदर से कई रास्ते बन चुके हैं, जैसे एक अब्दुल नगर वाला जो एक रोड है वो एक रास्ता बना, एक रजा चौक वाला रास्ता बना क्रिकेट ग्राउंड तक एक रास्ता, उसके अंदर से तुम्हारा जो मिलत मदरसा है वहाँ से लेके वो बन गया, वहीं पे जो मद्दी पावर हाउस है वो सी रोड का काम चल रहा है वो हो गया है, आई मरी का रोड वही फंड में से हुआ है, वही जो जूनी पानी की टाकी अपना जो रजा रोड बोलते हैं हमें रजा रोड बाबा यानी शहीदों की यादगार तक और शहीदों की यादगार से बाबा साहेब अम्बेडकर तक का जो रास्ता है वो 1-2-5 दिन के अंदर उसका काम शुरू होने जा रहा है। एक अंसार एक जिलानी चौक से लेके तो अंसार शामिल तो डेपू तक वो एक हार्डमिक्स रोड होने जा रहा है। और आगे हम लोगों ने अभी कॉरपोरेशन का ये तरीका अपनाया है कि कॉरपोरेशन में आगे जितने 12 मीटर के अंदर के जो रास्ते रहेंगे वो सब सीमेंट रोड के होंगे, है ना, और 12 मीटर के बाद के जो रास्ते होंगे वो हार्ड मिक्स होंगे, क्योंकि भविष्य देख करके जो रास्ते अभी बनते हैं 2 साल के बाद खराब हो जाते हैं, फिर दूसरे बजट के अंदर वही खर्चा होता है, तो वो खर्चा रोकने के लिए, ताकि अगर एक रोड बने तो 20 साल टिके, ताकि आमदनी जो कच्चा एरिया है उसके अंदर वो कवर हो। और शहर के जितने कच्चे एरिया हम लोगों ने इस मकतबा महापौर ने हेड ज़्यादा वो इलाकों के अंदर रखा है जो हदवाड़ी हुई है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया है। पक्के एरिए जो पहले से रास्ते गड्ढे बाकी सारे काम हो चुके हैं वहाँ ना काम करते हुए वो कच्चे एरिए के अंदर ज़्यादा काम को अंजाम दे रहे हैं।